वेल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई ट्रिक अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस फ्रेश वीडियो को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube में आए हुए एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, YouTube ने लॉन्च कर दिया है इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि ये कुछ सिलेक्टेड चैनल्स को ही मिली है, तो आप अगर ये देखना चाहते हैं कि ये आपको मिला है या फिर नहीं तो यहां पर आपको सिंपली YouTube में जाना है। तो जहां तक अगर मैं बात करूं मेरे मेन ओनली फॉर यू चैनल की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब मैं टैप करूँगा तो यहाँ पर मुझे इनकॉग्निटो मोड का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों जब मैं अपने सेकंड चैनल पे जाऊँगा जो कि है मेरे खुद के नाम की भारत पटेल, तो जब मैं अब यहाँ पर टैप करूँगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है टर्न ऑन इनकॉग्निटो। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर टैप करता हूँ तो आप पाएंगे ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये इनकॉग्निटो मोड का जो है निशान आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों नॉर्मली होता यह है कि YouTube पर आप जितने भी वीडियोस देखते हैं आपकी सर्च हिस्ट्री के आधार पे दूसरे वीडियो सजेशन में दिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो आपके YouTube चैनल पे जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सजेशन में आते हैं, या फिर कोई और कैटेगरी के देखते हैं तो उस कैटेगरी के आते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोई दूसरा ऐसा वीडियो देखें कि जो देखने पर भी उसकी हिस्ट्री सेव ना हो और उससे उसके बेसिस पे सर्च हिस्ट्री में वैसे वीडियोस ना शो हों, तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करने पे आपकी हिस्ट्री, आपका जो भी आपने सर्च किया होगा वो सब सेव नहीं होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर आप इस इनकॉग्निटो मोड को बंद करना चाहते हैं तो सिंपली आपको फिर से इस पर टैप करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा टर्न ऑफ इनकॉग्निटो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फीचर है गूगल क्रोम में बहुत पहले से था और ये जो है अब आ गया है आपके यूट्यूब एप्लीकेशन पर, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये था वीडियो YouTube में इनकॉग्निटो मोड के बारे में। तो अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड हाँ, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।